जब याद आए। रफी साहब के गीतों से बनी आवाज की दुनिया के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको उनके खुद के परिवार के बारे में शायद ज्यादा पता नहीं होगा। रफी साहब के निधन के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी बिल्किस रफी, चार पुत्र सईद, खालिद, हामिद और शाहिद, और तीन पुत्रियां परवीन, नसरीन और आशमीन थे। बिल्किस बेगम का इंतकाल 4 मार्च 1958 को हो गया था। आज उनका सबसे छोटा पुत्र शाहिद और उनकी तीनों पुत्रियां जीवित हैं। उनके तीन पुत्र सईद, खालिद और हामिद कम उम्र में ही रफी साहब की तरह दिल के दौरे के कारण चल बसे। रफी साहब की बड़ी बेटी परवीन का एक बेटा 14 साल की उम्र में कार दुर्घटना में चल बसा। उसकी मौत के बाद रफी साहब के 19 नाती पोते हैं। रफी साहब ने मुंबई के बांद्रा में 28वें रोड पर एक मंजिला मकान बनाया था, जिसका नाम दिया था रफी मेंशन। लेकिन उनकी मौत के बाद वह एक मंजिला बंगला वैसा नहीं रहा जैसा उनके जीते जी रहा था। रफी साहब की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार वालों ने उस बंगले को गिराकर वहां 5 मंजिली इमारत बनाई, एक मंजिल उनकी विधवा बिल्किस और बाकी उनकी संतानों के लिए। अगर पिताजी जीवित होते तो अब भी पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रह रहा होता, शाहिद रफी ने बहुत पहले कहा था। आज उस इमारत की 3 मंजिलें बिक चुकी है। इमारत की निचली मंजिल में किराए की कुछ दुकानें हैं और नमाज पढ़ने के लिए एक हॉल है, जहां आसपास के लोग आज भी नमाज पढ़ने के लिए नियमित रूप से आते हैं। निचली मंजिल में बीआर जरी आर्ट्स की दुकान है, जिसे उनकी पुत्री नसरीन अहमद और उनके पति परवेज अहमद चलाते हैं। रफी के माता पिता अपने बच्चों को संगीत के क्षेत्र में भेजने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि गायकी मिराजियों का पेशा है, कुछ ऐसा जो चौधरी खानदान पर धब्बा होगा। लेकिन पिता के रूप में रफी ने अपने बच्चों के प्रति काफी नरम दिली अपनाई और वे अपने बच्चे को स्वतंत्र विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों पर संगीत की तरफ रुख करने के लिए कभी कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि एक अनुशासन प्रिय पिता के रूप में हमेशा अपने परिवार वालों को यह नसीहत दी कि अपने दिल की सच्ची आवाज को सुनकर वैसा ही करने में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। बिल्किस रफी ने एक बार बताया था, रफी साहब चाहते थे कि उनके बच्चे अपने पंख फैलाकर उड़ें। उन्होंने कभी उन पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। यही नहीं, उन्होंने कभी अपने परिवार के सदस्यों को अपनी ऊंची हैसियत का फायदा अनुचित रूप से पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शायद यही कारण है कि रफी साहब के बच्चे अलग अलग कामों में लग गए। शाहिद को छोड़कर उनके बाकी तीनों पुत्र लंदन में बस गए। एयर इंडिया और एयर कुवैत के साथ काम करने के बाद शहीद और खालिद ने अपना खुद का हवाई ढुलाई का व्यवसाय और हामिद ने लॉन्ड्री का व्यवसाय शुरू किया। हालांकि इन तीनों पुत्रों की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बीवी बच्चे लंदन में ही रहते हैं। रफी साहब के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र शाहिद मुंबई में अपने पैतृक मकान रफी मेंशन में रहते हैं। वह अपने भाइयों में अकेले हैं, जिन्होंने आरंभ से ही पिता जी के पेशे की तरफ रुचि दिखाई। उन्होंने कई समारोहों में गाया, लेकिन वे पार्श्व गायन के क्षेत्र में अभी तक कोई मुकाम नहीं हासिल कर सके। बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान गारमेंट के कारोबार में लगा दिया। रफी साहब को अपनी तीनों बेटियों पर भी नाज था। सबसे बड़ी बेटी परवीन और सबसे छोटी बेटी आसमीन गृहणियां हैं, जबकि मंझली बेटी नसरीन अपनी माँ का जरी का कारोबार देखती है। जब रफी साहब गुजर गए तो उनकी बेवा बिल्किस को उनके साथ खड़े होने वालों की जरूरत पड़ी, लेकिन फिल्म उद्योग के बहुत कम लोग उनकी मदद के लिए आए। रफी साहब के 7 संतानों में से ज्यादातर 3 बेटे और 1 बेटी उस समय विदेश में ही थे। रफी साहब के अंतिम संस्कार के बाद दिखावे की दुनिया के लोग रफी साहब को भूल गए।
लेकिन बिल्किस बेगम को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने कभी कहा था, रफी साहब से मिलने निर्माता और संगीत निर्देशक उनके घर आया करते थे, जब वह नहीं रहे तो उन लोगों ने आना बंद कर दिया। कोई अब हमें पूछता नहीं कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज भी हमारे घर पर कोई आना चाहे तो उनका स्वागत है। मैं जानती हूं कि उन्होंने कई निर्माताओं की मदद की थी, लेकिन कभी उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, इसलिए हम क्यों इस बारे में बात करें। वह बहुत कम बोलते थे, वह एक फरिश्ता थे, हालांकि वह बहुत व्यस्त हुआ करते थे। मैं कभी भी किसी रिकॉर्डिंग में नहीं गई, न ही कभी उनके साथ फोटो खिंचवाई। विदेशों में दौरों पर भी मैं उनके साथ केवल अपने बच्चों से मिलने जाया करती थी, जो लंदन में बस गए थे। रफी साहब की मौत के कुछ सालों के बाद प्रेस में यह भी चर्चा थी कि उनका परिवार काफी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। यह कहा जाने लगा था कि परिवार मीरा रोड के एक गंदे टीन के मकान में चला गया है और श्रीमती बिल्किस रफी को उन्हें ऑटो रिक्शा में सफर करते देखा जाता है। शायद उन्हीं दिनों एक साक्षात्कार में ऐसी खबरों के बारे में पूछे जाने पर गुस्सा हो उठे थे। उन्होंने कहा था, मेरे अब्बा ने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। उनका अपना जरी कसीदाकारी का व्यापार है और वैसे भी उनके चार बेटे हैं। हम उनकी देखभाल में पूरी तरह समर्थ हैं। उन्होंने कभी ऑटो रिक्शा में सफर नहीं किया और न ही करेंगे। अब्बा ने कभी अपने दोस्तों या उन्होंने जिसकी मदद की उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की। हम भी इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। खुदा ने हमें बहुत दिया है।